ये सर मैं जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने सोयाबीन में काफ़ी शानदार रैली बनते देखी है। आपके भी टारगेट्स हिट होते हुए नज़र आए हैं सारे के सारे सोयाबीन के, जितने भी आपने हमें दिए थे मार्केट टाइम्स टीवी पर। आज देख रहे हैं कि 6,618 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, 0.25% की तेजी है। अमित जी हमने सोयाबीन को रिसेंटली 6,700 के भी ऊपर जाते हुए देखा है, आपको क्या लग रहा है, क्या स्पेकुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है सोयाबीन के अंदर इसलिए तेजी आ रही है, या फिर फंडामेंटल्स इतने मजबूत हो गए हैं एक अचानक से एकदम से कि सोयाबीन में अच्छी रैली निकल के सामने आ रही है? जी फिलहाल तो मैं फंडामेंटल ही कहूंगा, क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जहां पर दाम 10,800 से गिरकर 5,100 तक भी पहुंच गए थे, यानी लगभग 50% की गिरावट आई थी, उसके बाद 2 महीने कंसोलिडेशन के बाद हमने इसको ऊपर निकल देखा है। तो मैं इसे स्पेकुलेशन पे नाम नहीं दूंगा, हालांकि स्पेकुलेशन जो है वो मार्केट का हिस्सा है, जब भी ट्रेंड आता है तो बाजार सीखने जरूर करता है उसके पीछे। मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड है जारी रहेगा, और पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि 7,300 से 7,400 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। तो ऐसा लगता है कि एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, जब से 5,700 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो काफी महीनों से नहीं निकाला था, जब से वो निकला है, और अभी 5,700 का ही एक पोजिशनल सपोर्ट है, यानी 6,100 6,200 अगर आ भी जाता है तो हमें ये पता है कि जस्ट रिवॉर्ड अच्छा होगा। अगर 7,400 के लिए बाय करें तो 1,200 रुपए का टारगेट हमें 500 रुपए के स्टॉक के साथ मिल सकता है, यानी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो कोई भी डिप आती है तो उस पर डेफिनेटली बाइंग की सलाह होगी। शॉर्ट टर्म बेसिस अगर 650 के ऊपर सस्टेन होने में और क्लोज होने में कामयाब होता है तो ये पॉसिबल है कि हमें इमीडिएट तौर पर 7,050 तक के स्तर देखने मिलेंगे, और पोजिशनली 7,400 के स्तर देखने मिलेंगे। जी तो यानी कि सोयाबीन की कीमतों में जो रैली है वो आगे भी जारी रह सकती है, अभी और एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। अगर सोयाबीन में निचले स्तर भी देखने को मिले तो वहाँ पे घबराए नहीं, निचले स्तर पर भी बाइंग इनिशिएट करके, यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ के सोयाबीन में दाव लगाया जा सकता है।